स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम बात करेंगे रुक्मणी प्रकाशन का, दी प्लेटफॉर्म का बुक जो आता है रुक्मणी प्रकाशन का, ये हम वॉल्यूम 4 जो एग्जाम पैटर्न पे बोला जा रहा है, हम सेट नंबर वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा कि यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है। हमारे पास T1 दिया हुआ है 6 वर्ष, ठीक है, N1 दिया हुआ है 3 गुनी, ठीक है, हो जाता है, तो 8 गुने होने में उसे कितना समय लगेगा। इसको N2 बराबर 8 गुनी होने में T2 टाइम कितना लगेगा, यही हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न कभी पूछे, देखिए क्या कीजिए, N1 माइनस N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1 बराबर T1 बटा T2 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे N1 क्या होता है, N1 यानी कि पहला गुनी जो है कितना गुनी हो जाता है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो भी हो। N2 होता है दूसरा कितना गुनी होगा, ठीक है। T1 हमारा पहला समय जो होगा वो आपका T1 हो जाएगा, और T2 होगा दूसरा समय, ठीक है। देखिए, ये तो समय वाला दिया है, दर निकालने वाला भी पूछता है इस तरह का प्रश्न। तो देखिए, N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1 बराबर T1 बटा 2 कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, T1 हमारा 6 वर्ष दिया हुआ, कह रहा है कि 6 वर्ष में, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपका यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना होता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। N1 हमारा 3 दिया हुआ था, 3 माइनस 1, और 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 माइनस 1 बराबर, T1 हमारे पास 6 वर्ष है तो 6, T2 हमको निकालना है तो T2 हम निकाल लेंगे। देखिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 होगा, बराबर क्या आ गया, 6 बटा T2। अब ये 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 गुना 3 यानी कि 21 वर्ष लगेगा 8 गुना होने में, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 7, 5, 7, 5, 5, 7 तथा -3 तथा 3 है तो इसकी माध्यिका का कटान बिंदु क्या होगा। देखिए, ये हमारा x1 होता है, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया, ये y3 हो गया। हमसे पूछा है कटान बिंदु, तो कटान बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा x1 का कटान बिंदु, और आपका y1 क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो चलिए, यही हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x1 यहाँ पे कितना है, x1 दिया है 7, x2 हमारे पास 5 है, x3 हमारे पास -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे -3 बट्टे में 3 है, ठीक है। y1 हमारे पास कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5, y2 हमारे पास 7 है, और y3 हमारे पास 3 है, तो इसको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, 7 में से 5 गया 12, में से 3 गया 9, यानी कि 9 बटा 3, और 7, 5, 12, 3, 15 बटा 3, ठीक है। ये 3, 3 के 9 यानी कि 3, और 3, 5, 15 यानी कि 5। तो हमारा कटान बिंदु क्या हो गया, 3 और 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। एक नाव को धारा की दिशा में, नाव को धारा की दिशा में जाने में, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय, चाल यही होता है, चाल होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो 16 किलोमीटर दूरी दिया है, उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो जाने में 2 घंटा लगता है,
तो 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चलता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है। देखिए ये नाव की धारा की दिशा में, अब विपरीत दिशा में जाने पे तो वही है, विपरीत दिशा में जाने पे चाल क्या हो जाएगा, चाल यही होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया हुआ, 16 और 4 घंटा इसको समय लगता है, तो किस चाल से चलेगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से चलेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बाई टू यानी कि 8 माइनस 4/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। देखिए औसत क्या होता है, एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याएं, अगर हमसे सम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, नंबर गुना एवरेज, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि 50 अंकों का औसत 30 है, तो 50 संख्या का अगर हम योग निकालें तो क्या हो जाएगा, 50 × 30 यानी कि 1500, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें तो शेष अंक का औसत लगभग कितना होगा। अब 1500 है तो 1500 में से हम माइनस क्या कर दें, 35 और 40 को हटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 1500 माइनस 75 कर देंगे तो ये बचेगा 1425 बचेगा। और संख्या कितना होगा, पहले संख्या 50 था, अब ये 2 अंक हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो हमारे पास औसत अब क्या हो जाएगा, औसत हमारा यही होगा, संख्या कितना है 1425 और इसको 48 से भाग दे देंगे, यही हमारा औसत आ जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास 29.68 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी, हमारी आयु का औसत 14 है, तो अब मेरी बहन की आयु कितनी होगी। देखिए मान लीजिए कि अगर मेरी आयु एक्स है, मेरा आयु अभी एक्स है तो ठीक है, और मुझसे 3 साल बड़ा मेरा भाई है, तो जो मेरा भाई होगा वो मुझसे कितना साल बड़ा है, तो एक्स प्लस 3 साल बड़ा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी, यानी कि जब ये पैदा हुआ था ना तो इसकी बहन इससे 6 वर्ष बड़ी थी, यानी कि एक्स प्लस 3 प्लस 6 ये 6 वर्ष बड़ी हो गई इसकी बहन। अब कह रहा है कि इन तीनों का औसत 14 है, तो अब मेरी बहन की उम्र क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले इन तीनों का औसत निकालिए, x+x+3+x+3+6/3 किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 3x+3, 3, 6, 6, 6, 12, 12/3 इस तीन को उधर भेज दिया, 14 = 42, 3x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 − 12 करेंगे तो 3x का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30/3 यानी कि x का वैल्यू 10 आ गया। अब हमसे पूछा है कि हमारी बहन का, मेरी बहन की आयु क्या होगी, जब x का वैल्यू 10 है तो इसके बहन का उम्र कितना है, x का वैल्यू 10 पुट कीजिए तो 10 + 3 + 6 यानी कि 19 वर्ष उसकी बहन का उम्र हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि एक लेन देन में हुआ लाभ 80% है, कोई लेन देन में लाभ हुआ 80%, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 180 रुपया, क्योंकि 80% लाभ हुआ है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 20% की वृद्धि होती, अगर क्रय मूल्य पे 20% की वृद्धि होती तब विक्रय मूल्य समान रहने पर लाभ में क्या परिवर्तन होता। मान लीजिए
अगर कॉस्ट प्राइस पे 20% की वृद्धि होती, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 20% की वृद्धि होती तो कॉस्ट प्राइस क्या होता, 120 रुपया होता। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 120 रुपया होता है। तो हमसे पूछा गया है तो विक्रय मूल्य समान रहने पर लाभ में क्या परिवर्तन आ जाता है। देखिए ये सीपी 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस 180 रुपया हो गया। अब देखिए सीपी 120% बढ़ा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 120, तो ये प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, 180 माइनस 120 बट्टा 120 गुना, क्योंकि देखिए प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाता, यहाँ से हो जाता 60 बट्टा 120 गुना 100%, तो 60 गुना 120 200 कट जाएगा, यानी कि 50% होता। ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके से होता तो 50% होता है, ठीक है, अगर 120 पे होता तो। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि लाभ में क्या परिवर्तन हो जाता है। देखिए पहले 100 से कितना परसेंट हुआ, 80% हुआ है, तो कितना परिवर्तन हो जाता है, 80 माइनस 50 कर देते हैं, यानी कि 30% की कमी हो जाती है अगर कॉस्ट प्राइस पे सिर्फ 20% का ये होता तो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 6 और 4 घंटा में भरते हैं। ये पाइप पी है इसको 6 घंटा में भरता है, क्यू पाइप 4 घंटा में भरता है, ठीक है, भर सकते हैं। पाइप पी को 7 बजे खोला जाता है और पी और क्यू को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी 6 घंटा में भरता है, क्यू 4 घंटा में, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा पी का 12/6 यानी कि 2, और क्यू का एफिशिएंसी हो जाएगा 12/4 यानी कि 3। अब देखिए ये 2 के एफिशिएंसी से भरेगा, क्यू 3 के एफिशिएंसी से भरेगा। अब हमसे बोला है कि पी को 7 बजे खोला जाता है और बारी बारी से खोला जाता है। देखिए पी को 7 बजे खोलिएगा तो ये आके इसमें 2 यूनिट भर देगा, एक टंकी है उसमें 12 लीटर मान लीजिए पानी भरना है, ठीक है, ये 12 यूनिट भरना है, मान लिया कि 12 लीटर भरना है। पी खुला 2 लीटर भर दिया 7 बजे, फिर 8 बजे कौन आएगा जी, 8 बजे क्यू आएगा अपना 3 लीटर भरेगा, 1 घंटा में भर के चला जाएगा। फिर 9 बजे आएगा पी, आएगा ये 2 यूनिट भरेगा चला जाएगा। 10 बजे आएगा क्यू, 3 यूनिट भर के चला जाएगा। फिर आएगा 11 बजे पी और आपका 2 यूनिट भर के चला जाएगा, यानी कि 2, 3, 5, 2, 7, 3, 10 दोबारा, यानी कि 12 लीटर ये 5 घंटा में भर देगा। एक तो ये हो गया, ठीक है, या आप देखते हैं कि 2 और 3, 5 एफिशिएंसी से तो 2 घंटा में ये 5 यूनिट भरता, तो 4 घंटा में कितना यूनिट भरता, 10 यूनिट, तो अगला 2 यूनिट बचता तो पी आता 1 घंटा में भर देता, तो ये कितना घंटा लगता, 5 घंटा में ये लोग भर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि यदि अंडर रूट 0.0169 गुने एक्स बराबर 1.3 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 0.0169 गुने एक्स का मान अगर 1.3 हो तो एक्स का मान करना, हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.0169 इंटू एक्स हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 1.69। ठीक है, तो एक्स का मान हमको निकालना है तो एक्स को यही रह देंगे, ये 1.69 को 0.0169 से भाग दे देंगे। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, या तो आप ऊपर नीचे, नीचे वाले संख्या 1, 2, 3, 4 चार है, इसका मतलब है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार से गुना कीजिएगा ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, ये 4 जीरो से गुना कीजिए, 10,000 से गुना कीजिए, 10,000 से गुना कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 1,692 आ जाएगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा 169, तो 169 बॉक्स में कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 100। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, ठीक है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 40 घंटा में भर जाता है, तो भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना टाइम लगेगा, यानी जो पानी को बाहर निकालता है उसको कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए कि ए एक पाइप है, ठीक है, ए एक टैंक को कितना देर में भरता है, 20 घंटा में। हमने माना कि बी उसे 40 घंटा में भरता है, ठीक है। हम जान बी 40 घंटा में, सॉरी बी 60 घंटा में भरता है, बी 60 घंटा में भरता है, और ये तीनों मिलके उस टैंक को, ए बी और सी मिलके इस टैंक को 40 घंटा में भरते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 60 40 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। अब ए का एफिशिएंसी हम क्या निकाल देंगे, ए का एफिशिएंसी निकालेंगे 120 बटा 20, यानी कि 6 की एफिशिएंसी से बढ़ेगा। बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 120 बटा 60 यानी कि 2, और ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120 बटा 40 यानी कि 3, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि जो निकासी पाइप है भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगाएगा, हमसे वही पूछा। अब देखिए ए का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, लेकिन इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो एफिशिएंसी कितना है, जबकि ए और बी को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8 यूनिट आ रहा है, और इसका मतलब है कि 8 और सी का यूनिट माइनस 5 होगा तभी जाके ये 3 यहाँ पे आया होगा, तभी जाके 8 माइनस 5 3 इसका एफिशिएंसी होगा। इसका मतलब है सी 5 के दर से खाली कर रहा होगा, सी ये जो तीसरा पाइप है वो 5 के दर से खाली करेगा, तभी आपका इस तरीके से आएगा, क्योंकि 6 के एफिशिएंसी से तो ए भर रहा है, बी 2 के एफिशिएंसी से भर रहा है, तो इन दोनों का जो कितना हो गया 8, और यहाँ पे आपको 3 ही आ रहा है तीनों का एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि 8 माइनस 5 हुआ होगा तब जाके 3 आया है। तो चलिए अब हमारे पास सी का एफिशिएंसी आ गया माइनस 5, टोटल हमको कितना भरना है, 120 लीटर पानी भरना है, तो 5 के एफिशिएंसी से 24 घंटा में खाली कर देगा, ये खाली करना है, तो 120 बटा 5 यानी कि 24 घंटा में उस पाइप से पानी निकल जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का समूह यानी कि महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या का एचसीएफ 0 नहीं हो सकता है। एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है। अब मान लीजिए नाव की चाल अगर शांत जल में धारा की चाल में बह रहा है, तो नाव क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तक तय करता है, फिर धारा की दिशा में वो दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लीजिए वो व्यक्ति धारा के चाल में बहेगा, तो x प्लस वाई धारा के चाल में मान लीजिए इधर बहता है, दोनों इधर ही है, तो x प्लस वाई जुट जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में अगर बहता है तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। मान लीजिए धारा ऐसे बह रहा है, आदमी ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, हमसे पूछा गया है औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा डिस्टेंस यानी दूरी को डी लेते हैं, तो डी प्लस डी यानी कि वो आ भी रहा है, जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो डी प्लस डी एक क्या जा रहा है, एक धारा की चाल में जा रहा है,
तो x प्लस वाई और फिर एक धारा के विपरीत चाल में आ रहा तो d बटा x माइनस वाई। अब यहाँ से d और d कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, 2d बटा, अब यहाँ से d हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर में d कॉमन लेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, एक बटा x प्लस वाई प्लस एक बटा x माइनस वाई। इस d से इस d को काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दो बटा x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई। तो यहाँ से y y कट जाएगा, y y कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 2 बटा 2x बटा ये x प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये दो से दो कट गया है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स के लिए उपयोग की जाने वाले लकड़ी का आयतन क्या होगा। देखिए एक लकड़ी का बॉक्स है, मान लीजिए ये एक लकड़ी का बॉक्स है, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा कि ये लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है, ये चारों तरफ से है। इसमें कह रहा है इसका लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लीजिए, इसका लंबाई आपका 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, और नीचे से जो ऊंचाई जो होगा वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये जो लकड़ी है ये लकड़ी का मोटाई कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 1 सेंटीमीटर इधर भी होगा, और 1 सेंटीमीटर इधर भी होगा, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी होगा, और नीचे वाला जो होगा नीचे वाला वो भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर है इधर, 1 सेंटीमीटर इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले बाहरी आयतन हम निकाल लेते हैं, बाहर लेते हैं बाहरी लकड़ी का आयतन, सबसे पहले हम निकालते हैं बाहरी लकड़ी का आयतन, यानी कि ये बाहर वाला का आयतन निकालते हैं। तो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 12 दुना 24 और ये 2400 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया, ये बाहर का आ गया। अब अंदर वाला निकालेंगे, जब हम अंदर का निकालेंगे, अंदर का आयतन अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, जब हम देखेंगे कि ये 20 सेंटीमीटर है लेकिन 1 सेंटीमीटर इधर है 1 सेंटीमीटर इधर है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो जहाँ 20 सेंटीमीटर है वहां पे 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, जहाँ 12 सेंटीमीटर है एक और एक दो माइनस हो जाएगा तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जहाँ 10 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर माइनस होगा तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गुना करेंगे 18 को 8 से गुना करेंगे 144 और 10 1440 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे बोल रहा है ये अंदर वाला जो यूज करना है, ठीक है, इस अंदर वाले का हमको आयतन हमको निकालना है, जो यूज करेंगे ये वाला पोर्शन हम यूज करने वाले हैं, तो इसका हमको आयतन हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा 2400 में से 1440 माइनस करेंगे 0 के 0, 10 में से 4 गया 6 और 13 में से 4 गया 9, यानी कि 960 सेंटीमीटर क्यूब हम यूज कर पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आता है। तो संख्या का योग विषम होने की प्रायिकता क्या होगी, जब दो पासा को फेंका जाएगा, जब दो पासा है, ठीक है, इन दोनों पासा को फेंका जाएगा, एक दो तीन, तीन नहीं दिखता आएगा, ठीक है, इस तरीके से दो पासा को अगर फेंका जाता है, यहाँ पे 4 5 6 फेंका जाता है, तो हमसे बोला गया कि विषम संख्या का योग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो देखिए विषम संख्या होने का प्रायिकता क्या हो जाएगी, विषम संख्या होने का प्रायिकता हो कि विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या यही होगा। अब मान लीजिए दो पासा है, तो इसमें टोटल संख्या कितना हो जाएगा 36 होगा, 6 गुना 6 36,
तो टोटल संख्या हमारा 36 होगा। अब देखिए विषम संख्या होने का परिपथ क्या होगा, मान लीजिए पहले में एक है दूसरा में छह है, फिर पहला में एक है दूसरा में दो है तो तीन होगा, मान लीजिए पहला में एक है दूसरा में चार है तो आपका विषम संख्या होगा, एक छ एक दो एक चार इस तरीके से है, तभी इन दोनों का जो विषम होगा छ एक सात एक दो तीन एक चार पांच। मान लीजिए फिर पहला में दो आए, फिर दूसरा में एक है, मान लीजिए फिर दो आए तीसरा में तीन है, फिर पहला में दो है तीसरा में पांच है, ठीक है, इसी तरीके से पहला में तीन है दूसरा में दो है, इसी तरीके से पहला में तीन है दूसरा में क्या है चार है, पहला में तीन है दूसरा में क्या है आपका तीन दो तीन चार और आपका तीन छ, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आएगा तो ही विषम संख्या होगा, ठीक है। तो इन विषम संख्याओं का जो कितना होगा 18 होगा, जब आप इसी तरीके से निकालेंगे तो इन सभी संख्याओं का मान 18 होगा, तो 18 दूनी 36 यानी कि 1/2 बराबर 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 15:8 है तो प्रतिशत क्या लाभ होगा। देखिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 15 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, देखिए ये उल्टा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पहले दे दिया कॉस्ट प्राइस बाद में दे दिया, लेकिन हम यहाँ कर देते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पहले, 8:15 हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पहले कर दिए ताकि हमको समझ में आएगा सही से। देखिए कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो मान लीजिए कि 8 रुपया का सामान है आपने 15 रुपया में बेचा तो आपको कितना फायदा हुआ 7 रुपया, तो 7 रुपया का फायदा हुआ किस पे 8 रुपया पे, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए और आपका परसेंटेज आ जाएगा, 4 × 8 चार से हो गया 25, 25 सात कितना हो जाएगा 175/2 यानी कि 8 × 2 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 यानी कि 87.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हमारा वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।